उत्तराखंड के 8वीं सदी के शहर जोशीमठ का अस्तित्व क्या खत्म हो जाएगा? ये सवाल इन दिनों चारों ओर गर्दिश कर रहे हैं। शहर में दराएं जमीन और दीवारों के साथ साथ जनता के दिलों में भी गहरी होती जा रही है। उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि जोशीमठ में अधिक मकानों, इमारतों और सड़कों में दरारें आने से हर बीतता पल महत्वपूर्ण है। चमोली में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के एक बुलेटिन में कहा गया है कि धंसने वाले घरों की संख्या बढ़कर 678 हो गई है, जबकि 27 और परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अब तक 82 परिवारों को शहर में सुरक्षित स्थानों पर ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके साथ ही हालात ये है कि राहत और बचाव के प्रयासों के लिए स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के कर्मियों को तैनात किया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स यानी NDRF की एक टीम भी स्थानीय प्रशासन की सहायता के लिए स्टैंड बाय पर है। इस बीच दरकते भवनों को जमींदोज करने का काम 10 जनवरी को शुरू हो गया। सबसे पहले उन होटल्स, घर और भवनों को गिराया जाएगा जो असुरक्षित घोषित किए जा चुके हैं। आइए इस रिपोर्ट से और बारीकी से समझते हैं कि कैसे हैं जोशीमठ के हालात। जिला प्रशासन ने जोशीमठ के असुरक्षित 200 से अधिक घरों पर रेड क्रॉस का निशान लगा दिया है। यहाँ रहने वालों को या तो स्थायी राहत केंद्रों या किराए के आवास में स्थानांतरित करने के लिए कहा गया है। इसके लिए प्रत्येक परिवार को राज्य सरकार से अगले 6 महीने के लिए प्रतिमाह 4,000 रुपए की मदद मिलेगी। जोशीमठ के 16 स्थान ऐसे हैं जहाँ प्रभावित लोगों के लिए स्थायी राहत केंद्र बनाए गए। इनके अलावा जोशीमठ में 19 और शहर के बाहर पीपल खोटी में 20 होटल, गेस्ट हाउस और स्कूल भवन चिन्हित किए गए। डिजास्टर मैनेजमेंट सचिव रणित सिन्हा ने मीडिया से कहा है कि धंसे को बचाने और सब्सिडेंस जोन में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। सचिव रणित सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित शहर के लोगों के लिए राहत पैकेज का भी काम कर रही है, जिसे जल्द ही केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। जोशीमठ में 2 होटल माउंट व्यू और मलारी इन को मैकेनिकली रिमूव करने का निर्णय भी लिया गया है, जो भूमि दशाओं से बुरी तरह प्रभावित है। लेकिन मुश्किलें इसलिए ज्यादा है क्योंकि प्रभावित क्षेत्रों के कई परिवारों को अपने घरों से अपने भावनात्मक संबंधों को तोड़ना और बाहर निकलना मुश्किल है। मारवाड़ी वार्ड की एक बुजुर्ग निवासी परमेश्वरी देवी, जो कस्बे में सबसे बुरी तरह से प्रभावित है, कहती है कि उन्होंने अपनी पूरी सेविंग अपना घर बनाने में खर्च कर दी और अब उसे छोड़कर राज शिविर में जाने के लिए कहा जा रहा है। देवी ने एक निजी समाचार चैनल से कहा है कि मैं कहीं और जाने के बजाय जहां हूं वहीं मरना पसंद करूंगी, मुझे अपने घर का आराम कहां से मिलेगा। वहीं जोशीमठ के मनोहर बाग निवासी सूरज कपरवान की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। परिवार अभी भी अपना घर छोड़ने का मन बना रहा है। सिंहधर की रहने वाली ऋषि देवी का घर धीरे धीरे ढह रहा है और उन्हें अपने परिवार के साथ सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट होना पड़ा है, लेकिन परिजनों के मना करने के बावजूद वे हर दिन अपने घर लौट आते हैं। देवी अब आंगन में बैठी दरारों से भरी इसकी दीवारों को निहारती रहती है। कमरों में दरारें आने के बाद रमा देवी के परिवार को अपने घर के भीतरी बरामदे में सोने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन आखिरकार उन्हें घबराहट में आकर घर छोड़ना पड़ा। इसी तरह गांधीनगर की रमा देवी ने कहा, हमारा कमरा बार बार हिलता था, हमें डराता था, इसलिए हम बरामदे में सोने लगे, लेकिन कल रात बरामदे में भी दरारें आ गई, अब हम किराए के मकान में जाएंगे। प्राथमिक विद्यालय के भवन में शरण लेने वाले सिंहधर के रहने वाले लक्ष्मी का कहना है कि वो स्थायी पुनर्वास चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कितने समय तक हम अस्थायी राहत शिविर में रहेंगे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के जोशीमठ में संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए अदालत के हस्तक्षेप की मांग करने वाले एक याचिकाकर्ता से मंगलवार को अपनी याचिका का उल्लेख करने के लिए कहा था। अब सुप्रीम कोर्ट जोशीमठ शंकराचार्य की याचिका पर 16 जनवरी को हिमालय कस्बे में धंसने पर सुनवाई के लिए राजी भी हो गया है। माना जा रहा है कि जोशीमठ के प्रभावित क्षेत्र में जमीन के नीचे पानी जमा हो रहा है, लेकिन पानी के स्रोत का पता नहीं चल पाया है। ऐसे में सोमवार को गृह मंत्रालय और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर जोशीमठ की स्थिति का जायजा लिया।